ये कहानी है एक ऐसे बेसमेंट की जिसमें बहुत सारे राज दफन हैं, जिसका खुलासा करने में काफी सारी मशीन्स लगती हैं, लेकिन फिर भी उसका खुलासा नहीं हो पाता। इस मूवी का नाम है पेस्टिसाइड। इस मूवी की शुरुआत में हमें पैम नाम की औरत दिखाई जाती है, जो कि अपने भाई के साथ मिलकर एक हॉरर हाउस का बिजनेस रन करती थी। पैम का ये मानना था कि उसकी दादी एक बहुत बड़ी सीरियल किलर थी, जिन्होंने कई लोगों को इस घर में लाकर बेरहमी से मार दिया था, जिसके बाद ये घर हॉन्टेड हो गया। और पैम इस बात का फायदा उठाकर इस घर को हॉन्टिंग बताकर लोगों को हॉरर हाउस में आने के लिए कहती थी, लेकिन लोगों को उसमें कुछ भी हॉन्टेड नहीं लगता था, इसलिए सब बोर होकर वहां से चले जाते थे, जिससे उनका बिजनेस भी बंद होने लगता है। फिर पैम को एक व्लॉगर दिखती है, जिससे उसका मन भी अपने इस हॉन्टेड हाउस की पब्लिसिटी करने का करता है। इसीलिए वो एक क्राइम सीन व्लॉगर को अपने घर यहाँ पर बुलाकर पब्लिसिटी करने के लिए कहती है। व्लॉगर का नाम मॉग्यू था, जिसके बाद वो उसके घर को लाइव शूट करने लगती है। और पैन और उसका भाई हॉरर टूर करते करते इस हाउस के बारे में बातें बताते हैं कि मेरी दादी यहाँ अपने विक्टिम्स को लाती और जो भी गेस्ट उनके सेट किए हुए रूल्स को नहीं मानता वो उसको एक बेसमेंट में धक्का देकर गिरा देती थी। मॉर्गी के पूछने पर उन्होंने 3 रूल्स बताती है, जो थे नो स्मोकिंग, नो फीट ऑन फर्नीचर, नो नॉइज आफ्टर डार्क। वो सिर्फ एक खून लगी हुई दीवार भी दिखाती है, जो कि एक विक्टिम की थी, लेकिन ध्यान से देखने पर मॉर्गी को पता चलता है कि वो तो सिर्फ जंग लगी हुई है। लेकिन फिर भी पैम उसे कहती है कि ये ब्लडी है। जिसके बाद जब मॉग्यू उसे बॉडी के बारे में पूछती है, तब पैम बताती है कि वो उनको जानवरों को खिला देती थी। मॉग्यू उनसे और भी क्वेश्चंस करती है, लेकिन पैम अच्छे से आंसर नहीं कर पा रही थी, जिससे उसे लगने लगता है कि ये घर हॉन्टेड हाउस नहीं है, बल्कि उसकी दादी क्रेजी थी, क्योंकि कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला था जो ये साबित कर सके कि वो एक किलर है। ये डाउट वो अपना पैम से भी कहती है कि क्या पता वो एक मेंटल डिसऑर्डर के चलते पागल हो गई, जिस पर पैम भड़क जाती है। अगले दिन मॉग्यू उनसे कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और उस घर में अपने सभी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मेटल डिटेक्टर, IR ग्लासेस और अल्ट्रा वाइड बैंड रडार स्कैनर से जो बॉडीज विक्टिम की थी उन्हें ढूंढने का डिसाइड करती है, जिस पर वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेट करते करते उन्हें कुछ केमिकल्स फ्लोर पर बिखरे हुए मिलते हैं, जिसको मॉग अच्छे से चेक करती है। और उसके नीचे की फ्लोर को जब वो हटाती है तो वहाँ कई सारी शराब की बोतल देखती है। फिर आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे दीवार के पार एक खोखला पैन दिखता है, जिससे वो उसको तोड़कर अंदर जाने का डिसाइड करती है। अपनी लॉक खोलने की स्किल से जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे वहाँ सिर्फ एक स्विमिंग मशीन ही दिखती है, जिसे देखकर पैम फिर से अपनी थ्योरीज देने लगती है कि शायद वो इस स्विमिंग मशीन से विक्टिम के फ्लैश को अलग निकालती थी। लेकिन अब उसका भाई पैम इन सब बातों से तंग आ जाता है, जिस वजह से वो उसे वहीं चुप करा देता है। मॉगी को भी अब पता चल जाता है कि इस घर में कुछ भी हॉन्टेड जैसा नहीं है, जिसके बाद वो रात को कमरे में जाकर वीडियो बना देती है कि ये घर एक स्कैम है और यहाँ कुछ भी हॉन्टेड नहीं है। लेकिन जब वो वीडियो अपलोड करने जाती है तो उसे वहाँ टावर नहीं मिलते, जिससे उसे पता चल जाता है कि पैम ने उस घर के वाईफाई कनेक्शन बंद कर दिए हैं। उसे तभी पैम और उसके भाई के लड़ने की आवाजें आती हैं, जिसको देखने के लिए वो वहाँ जाती है। वहाँ वो उन्हें छुपके से देखती है, जिसमें पैम ये कह रही होती है कि आज वो इस एक्स की मदद से मॉग्यू को मार देगी, ताकि वो हमको बदनाम ना कर सके। ये सब सुनकर मॉग्यू तुरंत अपने रूम में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पैन कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए आती है। लेकिन इतने में ही वो अपनी पेपर स्प्रे निकालकर उसके ऊपर छिड़क कर वहाँ से भागने लगती है। वहाँ से वो सबसे पहले वाईफाई के तारों को जोड़ने जाती है, जिसके बाद वो भागते भागते अपनी ऑडियंस को लाइव आकर खुद को बचाने के लिए कहती है। लेकिन ऑडियंस को लगता है कि ये एक हॉरर हाउस का ड्रामा है और उन्हें ये सब बहुत असली लगता है, जिससे उस लाइव वीडियो को बहुत लाइक्स मिलने लगते हैं, जिससे मॉर्ग्यू की ये चाल भी नाकाम हो जाती है और एट लास्ट वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद पैम कुल्हाड़ी से उसको बेरहमी से मार देती है। ये सब लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, जिससे ऑडियंस को काफी मजा आ रहा था, क्योंकि उन्हें ये खेल ही लगता है। वहाँ फिर पैम का भाई आता है, जो कि एक फांसी का फंदा लेकर अपनी बहन को ही मार देता है, जिससे ऑडियंस को और भी ज्यादा मजा आता है। फिर हमें एक साल आगे ले जाया जाता है, जहाँ अब उस घर में बहुत सारे विजिटर्स आने लगे थे और पैम का भाई काफी अच्छे पैसे कमा रहा था। उसके पास बहुत सारी बुकिंग्स आ रही थी। और फिर वहाँ पैम को भी देखते हैं, जो मॉग्यू का पुतला बनकर उसको एक्स से मार देती है, जिसके बाद फिर से पैम का भाई वहाँ आकर पैम के गले में फांसी लगा देता है। यानी कि गाइस, एक साल पहले उसने पैम को मारा ही नहीं था, बल्कि ऑडियंस को खुश करने के लिए ड्रामा रचा था। शो के बाद पैम का भाई पैसों की गड्डी को लेकर जब लॉकर में रखने जाता है, तो वहाँ वो अचानक से नीचे बेसमेंट में गिर जाता है, जहाँ उसे कई सारी लाशें मिलती हैं, जिसका मतलब उसकी दादी सच में एक सीरियल किलर थी। और इस स्टोरी के लास्ट में हमें एक पुतले को भी दिखाया जाता है, जो असल में और कोई नहीं बल्कि दादी की आत्मा ही थी।
इस मूवी की नेक्स्ट स्टोरी में हमें दिखाया जाता है हर्लिन किंग, जिसका एक सेल्फ ओनेट पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस था। वो लोगों के घर जाकर अपनी दवाइयों से पेस्ट भगाता था। वो एक मक्कार और लालची किस्म का इंसान था। एक दिन वो एक लेडी डॉक्टर के बिना बुलाए वहाँ आ जाता है और उसके गार्डन में एक दो इंसेक्ट्स को मारकर उससे उसके पेशेंट के सामने ही पैसे मांगने लगता है, जिस पर डॉक्टर को अपने पेशेंट को वापस भेजना पड़ता है। वो उसको फिर ये कहकर वहाँ से भगा देती है कि यहाँ आप दोबारा कभी मत आना, जिस पर हर्लिन उसे ये कहकर चला जाता है कि मैं यहाँ दोबारा आऊँगा और इस बार तुम मुझे खुद बुलाओगी। फिर घर से बाहर निकलकर वो अपने ही कुछ पेस्ट्स को डॉक्टर के घर में चुपके से छोड़ देता है। फिर हर्लिन अपने नेक्स्ट क्लाइंट के पास जाता है, जो कि एक अमीर इंसान था। वो पहले हर्लिन के काम की बहुत तारीफ करता है और फिर उसे अपने यहाँ फुल टाइम जॉब भी ऑफर करता है। वो उसे कहता है कि तुम बस मेरा एक काम कर दो, मेरी प्रॉपर्टी के आगे कुछ बंजारों ने अपना डेरा डाल लिया है, जिस पर पुलिस भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, इसीलिए तुम इन लोगों के खाने में अपने पेस्टिसाइड्स मिला दो, जिससे वो वहीं मर जाए। हर्लिन को एक काम बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो किसी की जान ले, लेकिन वो अमीर आदमी उसे बहुत सारे पैसे दिखाता है, जिससे उसके मन में लालच आ जाता है और हर्लिन ये सोचता है कि वो ऐसा काम जिंदगी में सिर्फ एक ही बार करेगा। रात को फिर वो छुपके से वहाँ आकर उनके खाने में जहर मिलाने लगता है, लेकिन एन मौके पर उसे रियलाइज होता है कि वो जो करने जा रहा है वो एक पाप है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। लेकिन इतने में ही वहाँ एक बंजारा आकर उससे लड़ने लगता है, जिसमें एक जहर वाला पेस्टिसाइड उनके खाने में गिर जाता है। अब हर्लिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो बंजारा भी उससे लड़े जा रहा था, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए हर्लिन तुरंत एक पेस्टिसाइड उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर वो तुरंत वहाँ से भागकर सारे पैसे ले अपने घर चला जाता है और पैसों को देखने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ वो अमीर आदमी आता हुआ दिखता है, जो उसकी तारीफ करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड छिड़कने लगता है, जिससे वो बहुत तड़पने लगता है। लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन उठने पर वो पैसों के बैग पर एक बड़े से अजगर को देखता है, जो फिर उसके हाथ में काट लेता है। लेकिन तभी उसकी फिर से आँख खुलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये भी एक सपना ही था। अगले दिन जब वो उस जगह पर जाता है तो वो वहाँ पुलिस को देखता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो सब मर गए हैं, इसीलिए वो फिर अपने डेली के जैसे ही पेस्ट छिड़कने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉस्किटो आता है और उसकी छाती से खून चूसने लगता है, जिससे हर्लिन बहुत तड़पने लगता है। लेकिन होश आने पर उसे पता चलता है कि ये सब उसका सिर्फ एक भ्रम ही था। अब रात को भी उसे कई पेस्टिसाइड अपने घर चलते हुए दिखते हैं और उसकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। वो अपने काम से भी फ्रस्ट्रेट होने लगा था और उसकी हालत डे बाय डे बिगड़ने लगी थी। उससे अब हमेशा ही हेलुसिनेशंस आने लगे थे कि पेस्ट उसको मार रहे हैं, जिसके बाद अब वो उसी लेडी डॉक्टर से हेल्प मांगने जाता है, जहाँ वो उसे उस अमीर आदमी की और उन सभी बंजारों को जहर देकर मारने की बात उसे बताता है। वो उसे फिर एक केचे के बारे में बताता है, जो असल में मरा हुआ है, लेकिन वो खाने में कुत्ते बिल्ली और इंसानों को भी खा जाता है, और अब वो डेविल मेरे को भी मारना चाहता है और इसीलिए वो रोज रात को मुझे डराता है। वो सब अपनी हालत के बारे में भी बताता है, जिससे डॉक्टर को लगता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है, इसलिए वो उसके लिए टी बनाने के लिए किचन में चली जाती है, जिस पर अपनी खराब हालत की वजह से हर्लिन अभी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो अपना साइज बहुत छोटा पाता है। तभी वहाँ वो लेडी डॉक्टर आती है, जहाँ वो उसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी डॉक्टर को यही लगता है कि ये कीड़ा भिन भिन कर रहा है, जिस वजह से वो एक मैगजीन को फोल्ड करके उसे कीड़े की तरह मसल देती है, और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पेस्टिसाइड मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल